हेलो दोस्तों, मैं स्वागत करता हूँ आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पॉलीटेक्निकल क्लासेस पर। दोस्तों, आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में अच्छे से लगे होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बेसिक ऑफ इलेक्ट्रिकल, जो कि आपका इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है इलेक्ट्रिकल या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर अदर ब्रांच का, तो आज हम इसके टॉप 10 जो हमारी सीरीज चल रही थी, आज हम इसके लेक्चर 4 के बारे में बात करेंगे। टॉप 10 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन की जो सीरीज हम चला रहे थे, तो आज हम इसके लेक्चर 4 के बारे में बात करेंगे। और लेक्चर 2 और लेक्चर 3 और लेक्चर 1 इसके पहले के वीडियो में करा रखा है, यदि आपने अभी तक नहीं देखा है तो जाकर के चैनल की प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। दोस्तों, देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया गया है यहाँ पे कि 1 मिनट की वोल्ट मीटर को परिपथ में लगाते हैं, तो वोल्ट मीटर को परिपथ में किस क्रम में लगाएंगे? ऑप्शन ए सिरणी क्रम, समांतर क्रम में, ऑप्शन बी सिरणी क्रम में, ऑप्शन सी दोनों में, या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, यदि आपने वोल्ट मीटर के बारे में पढ़ा होगा तो आपको पता ही होगा कि जो वोल्ट मीटर हम लगाते हैं परिपथ में वो सिरणी क्रम में लगाते हैं, तो इसके हिसाब से हमारा यहाँ पे ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ कि गतिमान आवेश विद्युत धारा अपने चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करते हैं, मतलब गतिमान आवेश या फिर जिसको हम विद्युत धारा बोलते हैं अपने चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करते हैं, या प्रयोग किया था अरिस्टेड ने किया था या प्रयोग, या फिर न्यूटन ने किया था, या फिर थॉमसन ने, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, जो प्रयोग किया था ये वैज्ञानिक अरिस्टेड ने किया था, तो इसके लिए इसी के हिसाब से हमारा यहाँ पे ऑप्शन ही राइट हो जाएगा। बाकी बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। अच्छा क्वेश्चन ये भी है कि 2 चुंबकीय बल रेखाएँ एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं, तो यदि ये बातें असत्य है या फिर सत्य है या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, आपने पढ़ा होगा कि जो 2 चुंबकीय बल रेखाएँ होती हैं जो इस प्रकार से निकलती हैं किसी चुंबक से, इस प्रकार से, तो आपने देखा होगा कि एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं, ऐसे ऐसे करके निकलती हैं ना, तो एक दूसरे को कभी काटती नहीं है, तो इसीलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन भी सत्य हो जाएगा। और बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। और दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लग रही तो वीडियो को लाइक करते चलें और दोस्तों में अपने इस चैनल को शेयर भी करते चलें। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के नियम है, ऑप्शन है दाहिने हाथ का नियम, ऑप्शन बी मैक्सवेल का दक्षिणावर्ती पेंच का नियम, या फिर ऑप्शन सी दोनों। तो यहाँ पे हमने डी लिखा है, तो यहाँ पे सी है कि ऑप्शन सी दोनों और ऑप्शन डी में से कोई नहीं। तो दोस्तों, देखिए इसके हिसाब से हमारा क्या हो जाएगा, जो हमारा दाहिने हाथ का नियम होता है उसके द्वारा भी हम चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करते हैं, और मैक्सवेल का दक्षिणावर्ती जो नियम होता है पेंच वाला उसके द्वारा भी हम चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करते हैं। तो इसके हिसाब से हमारा यहाँ पे ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, यानी कि दोनों। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। देखिए क्या है कि चुंबकीय फ्लक्स घनत्व है, तो चुंबकीय फ्लक्स घनत्व कौन सी राशि है, अदिश राशि है या फिर सदिश राशि है या फिर परिदिश राशि है। तो चुंबकीय फ्लक्स घनत्व जो होता है एक प्रकार से हमारी सदिश राशि होती है, तो इसके हिसाब से हमारा ऑप्शन भी राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, देखते हैं क्या है कि अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया संभव है, तो अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया जो संभव होती है द्वितीयक सेल में होगी या फिर प्राथमिक सेल में होगी या फिर दोनों में होगी या फिर इनमें से कोई नहीं। देखिए, अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया क्या होती है, ऐसी अभिक्रिया जो एक बार हो जाए और पुनः उसे न उत्पन्न किया, मतलब ऐसी अभिक्रिया जिसके द्वारा एक बार पदार्थ को उत्पन्न किया जा सकता है, पुनः उस रूप में हम बना नहीं सकते हैं जिस रूप से हमने उस पदार्थ को बनाया था, तो वो हमारा जो अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है वो हमारा केवल प्राथमिक सेल में ही संभव है। तो इसके लिए यहाँ पे इसके हिसाब से ऑप्शन भी यहाँ पे राइट हो जाएगा। और अगर हम यहीं पर बात करें उत्क्रमणीय अभिक्रिया संभव है, तो यहाँ पर द्वितीयक सेल हो जाएगा जब हम उत्क्रमणीय अभिक्रिया की बात करेंगे। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ कि द्वितीयक सेल का एग्जाम्पल है, द्वितीयक सेल का एग्जाम्पल क्या है, ऑप्शन ए लीड एसिड बैटरी है, निकेल कैडमियम सेल है, या फिर वेनेडियम रेडॉक्स बैटरी है, या फिर सभी है। तो देखिए, जो द्वितीयक सेल का एग्जाम्पल है यहाँ पे सभी होंगे, लीड एसिड बैटरी भी होगा, निकेल कैडमियम सेल भी होगा, वेनेडियम और एमनेडियम रेडॉक्स बैटरी भी होगा, और ऑप्शन डी सभी होगा। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ, देखते हैं क्या है कि घरेलू उपयोग के लिए यूज़ की जाने वाली एसी तरंगाकार होती है, तो जो हम घरेलू यूज़ में जो हम विद्युत यूज़ करते हैं एसी वाली, उसका जो तरंगाकार होता है किस रूप का होता है, ट्रायंगुलर होता है या फिर स्क्वायर होता है या फिर ज्यावक्रीय यानी कि सिनोसोडियल होता है या फिर ऑप्शन डी सभी होता है। तो देखिए, यहाँ पर ऑप्शन सी यानी कि ज्यावक्रीय होगा, तो जैसा कि आपको पता है ज्यावक्रीय कैसे बनता है, एक बार ऐसे आएगा फिर इसके बाद ऐसे जाएगा, तो ये हमारा ज्यावक्रीय रूप का होता है, तो इसी रूप का जो है तरंगाकार हम हमारे घरों में जो बिजली यूज होती है इसी रूप की तरंगाकार होती है उसकी। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ, जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि एक सेकंड में पूरे हुए चक्करों की संख्या कहलाएगी, ऑप्शन ए चक्र, ऑप्शन बी आवर्तकाल, या फिर ऑप्शन सी आवृत्ति, या फिर इनमें से कोई नहीं।
तो 1 सेकंड में पूरे हुए चक्करों की संख्या, आपको पता होगा कि आवृत्ति की परिभाषा ही यही होती है कि वो 1 सेकंड में पूरे हुए चक्करों की संख्या क्या कहलाती है, आवृत्ति कहलाती है। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ, कि जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है इस सीरीज का, क्या है देखिए, कि पावर फैक्टर बनाने हेतु कैपेसिटर लोड किस क्रम में लगाए जाते हैं, समांतर क्रम में, श्रेणी क्रम में, या फिर दोनों में, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, पावर फैक्टर बनाने के लिए कैपेसिटर लोड को जो हम लगाते हैं उसे हम समांतर क्रम में लगाते हैं, तो इसके हिसाब से हमारा यहाँ पे ऑप्शन है राइट हो जाएगा। दोस्तों आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करते चलें और दोस्तों में अपने इस चैनल को शेयर भी करते चलें। और दोस्तों यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट हम बात करें कि यदि आपने अभी तक इस चैप्टर में कुछ भी नहीं पढ़ा है बेसिक ऑफ इलेक्ट्रिकल में, तो आप जा करके हमने चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन को बना रखा है, तो जिन्होंने एक चैप्टर को कम्प्लीट कर लिया है सिलेबस को वो भी देख सकते हैं, और जिन्होंने कुछ पढ़ा नहीं हो उनके लिए तो बेहद इंपॉर्टेंट वीडियो है तो भी जा करके देख सकते हैं। तो हमने एक प्लेलिस्ट बना रखी है बेसिक ऑफ इलेक्ट्रिकल ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन के नाम से, तो वहाँ पे आप जाएंगे तो आपको जो है सारी वीडियोज़ वहाँ पे चैप्टर वाइज मिल जाएगी, तो आप उसको अच्छे से तैयार कर लीजिए। अगर आप उसको पढ़ लेते हैं तो आप मान के चलिए आपका जो एग्ज़ाम है 25 क्वेश्चनों वाला बहुत ही अच्छे से तैयार हो जाएगा। और बाकी हम पूरी पूरी कोशिश कर रहे हैं आपके एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आएंगे टॉप 10 क्वेश्चन सीरीज़ में बताने की, तो जो हमारी टॉप 10 सीरीज चल रही है भी एक अच्छे, मतलब इसमें हम जो क्वेश्चन ले रहे हैं आप मान के चलिए कि 100% वाले क्वेश्चन हैं, मतलब ये आने ही आने हैं। बाकी जो उस हमने चैप्टर वाइज बताया है वो इम्पोर्टेंट है, जब आप उसको पढ़ेंगे तो आपने जो चैप्टर पढ़ा है तो अच्छे से आपको समझ में आएगा। बाकी मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, इसी प्रकार से मेरे साथ बने रहिए, बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।